हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कम बजट क्रिएटिविटी। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये फूलों की माला। ये फूलों की माला बहुत ही सिंपल से कपड़े से बनती है। जो टापेटा का कपड़ा आता है, थोड़ा हल्का सा टापेटा का कपड़ा आता है, वो उस कपड़े से ये माला बनती है। ये माला बनाने में बहुत आसान होती है। अब देखिए करना क्या है। देखिए इसे 11 इंच का या 12 इंच का जैसा आपके पास कपड़ा है उस हिसाब से आप इसकी लंबाई काट ले और ऐसा 2 इंच के अंदाज में ये चौड़ाई काट लीजिए। इसको फिर से वही जो बर्थडे डेकोरेशन में मैंने दिखाया था उसी हिसाब से ये फूल बनाइए। मोटे मोटे टाके ले लीजिए और इसको जो धागा जो फूल बनाते हैं ना उसका जो धागा होता है वो थोड़ा मोटा धागा लेना। जो मोटे रील आते हैं ना वो वाला लेना, उससे क्या है आपके फूल टूटेंगे नहीं। इस टाइप से पूरे फूल बना लीजिए। इसे ये दोनों मुंह आपस में जोड़ लीजिए। देखो इसको एक टाइट सी गठान लगा दो। देखिए उसको ज़्यादा भी टाइट नहीं करना था कि कैसे अपने को जो फूल फिरोते हैं ना तो आसानी से चले जाए। देखो ऐसे सारे फूल बना लीजिए। देखो ये सारे फूल इस टाइप से बना लीजिए। इस टाइप से सारे फूल बना लीजिए। और फिर इसको करना क्या है, ये जो साड़ी का कपड़ा आता है ना, ये देखो ऐसा, उसको सीधी सीधी पट्टी काट लो जितना आपको माला बनानी है उतना, और उसमें इस टाइप से पिरो लो। इस टाइप से जो अपने को कलर जो डालना है उस टाइप से फिर इस टाइप से। दिवाली, दशहरा, कोई भी त्योहार होता है तो ये फूल बड़े प्यारे लगते हैं। और इसको धोने के भी कोई जैसे जरूरी नहीं है, 8-15 दिन लगा लो फिर निकाल दो, थोड़ा सा साफ कर लो, रख दो। ये देखो ये बन जाएगा, सब ऐसा दिखेगा। आप चाहे तो आपके पास कोई गोल्डन ब्लाउज पीस होगा तो उसका भी कपड़ा आप डाल सकते हैं बीच बीच में। मैंने केवल सिर्फ टापेटा का ही कपड़ा यूज किया है। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये मेरे सिंपल से पोर्च का मेकओवर। मैं अब इसे सबसे पहले डीप क्लीन कर लूँगी। देखिए फ्रेंड, इसका मेकओवर करने के बाद में ये कितना अच्छा लग रहा है। ये जो गमले हैं ना ये ऑरेंज कलर के थे, मैंने इसको कलर करके वाइट कर दिया है। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए ये जो आपको लटकन दिखाए थे वो ये लटकन है। आज हवा काफ़ी चल रही है। ये देखिए ये सादा सिंपल सा बोर वेल का पाइप है, इसको मैंने वेलवेट का कपड़ा लगा दिया है और इसमें बेल लगा दी है। ये कुशन भी मैंने घर पे बनाए हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मेरे पास काफ़ी अच्छे अच्छे कुशन बनाए हैं मैंने। ये देखिए मेरे लवबर्ड्स है। और ये भी देखो कितने छोटे छोटे प्लांट है, वो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, काफ़ी अच्छे सर्वाइव कर रहे हैं। देखिए
समझ में आ गया होगा आपके। देखिए ऊपर में, ये भी मैंने घर पे बनाया है, ये काफ़ी पुराना है, थर्माकोल की शीट पे बनाया है मैंने, ये काफ़ी पुराना हो गया है, इसकी हालत ख़राब हो गई। अब जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा मैं इसके लिए कलर लेके आऊँगी, एक्रेलिक कलर, और उससे इसे पेंट कर दूँगी। ये देखिए ये पौधा भी कितना अच्छा लगता है। ये सिंपल कलर की पकेट है, उसका मैंने ये यूज़ किया है। और ये जो फूल है जो आपको दिखाए थे, ये देखिए, ये फूल है।